भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं न्यूड मेकअप लुक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है निव्या का मॉइस्चराइजर। सो निव्या का मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा होता है और अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्ट भी कर देता है। सो या मैंने सबसे पहले अपने फेस को कर लिया है मॉइस्चराइजर। सो गाइस, आप बहुत सारे मॉइस्चराइजर देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं, जैसे 3-4 मॉइस्चराइजर कुछ बहुत अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ पे निव्या का ले लिया है। तो उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर, जो कि NNBB का है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था। आप लोग भी परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट से, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में था। तो यह मैंने यहाँ पे लगा लिया है प्राइमर। ये काफ़ी वाटरी है और लिक्विड बहुत इसका लाइट है। तो यह मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया है अच्छे से अपने फेस पे। प्राइमर से क्या होता है, जो भी फाउंडेशन कंसीलर हम लगाएंगे वो हमारे फेस को हार्म नहीं करेगा। सो अगेन मैं अपने आईज़ पे लगाने जा रही हूँ कंसीलर, जो कि NYB का है। सो या हम अपने आईज़ पे कंसीलर लगा लेंगे, अंडर आई भी हल्का हल्का लगा लेंगे। सो या मैं अपने आईज़ को कंसील कर ले रही हूँ। सो थोड़ा सा अंडर आई के नीचे भी लगा लेना है और आईज़ के ऊपर भी लगा लेना है। सो ब्यूटी ब्लेंडर से उससे अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। सो आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी आईज़ को कंसील करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ एक कॉन्टोर स्टिक, जिसमें कंसीलर भी है, काफ़ी लाइट वेट का ये भी है। सो इसको भी मैं हल्का हल्का सा लगा ले रही हूँ अपनी आईज़ पे, ताकि मेरी आईज़ अच्छे से कंसील हो जाएँ और डार्क सर्कल्स भी ना दिखें। सो यह आप लोग देख सकते हो, मैं अच्छे से कंसील कर ले रही हूँ अपनी आईज़ को। आप लोग भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो, लिक्विड वाला, उसके बाद थोड़ा सा स्टिक वाला भी, मैं दोनों यूज़ कर ले रही हूँ। सो यह मेरी आईज़ हो गई अच्छे से कंसील। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को करूँगी फिल। तो आईब्रो फिलर मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ तो बनी नहीं है। तो ये छोटा सा था जो कि ख़त्म हो गया था, हाफ बचा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। उसके पीछे स्पूली भी दी हुई है, स्पूली क्या ब्रश टाइप का है, उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से सही कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने आई शेडो लिया है, काफ़ी न्यूड कलर मैंने पिक किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कौन सा कलर था। सो मैं पहले अपनी ग्रीस लाइन से, आप लोग देख सकते हो हल्का वाला ब्रश लेना है, उससे अपनी ग्रीस लाइन बना लेनी है, थोड़ा सा पीछे से लेके फिर अपनी ग्रीस लाइन पे अप्लाई कर लेना है। एकदम हल्का मेकअप कर रहे हैं हम। तो पहले मैंने न्यूड कलर लिया था, आप लोग देख सकते हो। सो या मैं अच्छे से अपनी ग्रीस लाइन पे अप्लाई कर ले रही हूँ। सो मैं अपने दोनों आईज़ में कर लूँगी। सो गाइज, अगर आपको जो है जानना है कि मैं अपने जो है सारे ब्रशेस अच्छे से, मैंने अपने नए ब्रशेस लिए हैं, सब कुछ न्यू लिया है। सो अगर आपको इसका मतलब रिव्यू देखना है, तो आप लोग मेरे को कमेंट डाउन करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो नेक्स्ट मैं हल्का सा पिंक कलर ले रही हूँ दूसरे ब्रश से। उसको मैं अपने जो है जहाँ जहाँ पे एरियाज छूट गए थे, जहाँ पे हमने आई शेडो नहीं अप्लाई किया था, वहाँ पे हम वो हल्का पिंक वाला आई शेडो अप्लाई कर लेंगे। सो दूसरे ब्रश की हेल्प से हम अपनी आई शेडो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो कलर लिया हुआ है, एक न्यूड स्किन कलर लिया था और दूसरा हल्का सा पिंक कलर लिया था। तो आप लोग देख सकते हो, एक आई का मेकअप लुक मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरी आई का हम मेकअप लुक कंप्लीट करते हैं। सो या गाइस, यहाँ पे हमारी आई शेडो होती है कंप्लीट। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे ये आई शेडो काफ़ी अच्छा मिल गया और बहुत अच्छा पिगमेंट भी देता है। सो आप लोग देख सकते हो, मेरा आई शेडो यहाँ पे हो गया है कंप्लीट या डन विथ। उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। सो या हम यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर ले रहे हैं, जो कि ब्लू हेवन का है। और हाँ गाइस, हम यहाँ पे आईलाइनर नहीं लगाएंगे। आईलाइनर लगाने से क्या होता है, हमारा मेकअप जो है हैवी दिखता है और हमें अपना मेकअप हैवी नहीं, काफ़ी न्यूट करना है। सो हम यहाँ पे काजल लगाएंगे, ताकि हमारी आईज थोड़ी बिग दिखे। सो यहाँ पे मैंने जो है, मुझे नहीं पता काजल कौन सी कंपनी का है।
सो यहाँ मैं यहाँ पे काजल लगा ले रही हूँ, स्टिक क्विकरी का है मेरा काजल, सॉरी मेरे को याद आ गया, तो स्टिक क्विकरी का है मेरा काजल, मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, काफ़ी अच्छा काजल है। सो हम थोड़ा सा डार्क जो है काजल लगाएंगे, ताकि जो है हमारी आईज थोड़ी बिग बिग दिखे और जो है लाइट भी दिखे, ऊपर लाइट नीचे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम अपने काजल को। सो मर्ज कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा काजल भी हो चुका है अप्लाई। देन उसके बाद हम लेंगे एक न्यूड पिंक कलर और एक ब्रश लेंगे, तो आप लोग देख सकते हो उसके बाद हम अपने आई जो हमने काजल लगाया था उसको अच्छे से कर लेंगे मर्ज। तो आप लोग देख सकते हो हम अपने आईज के नीचे हल्का सा आई शैडो लगा के उसे अच्छे से मर्ज कर ले रहे हैं, नीचे दूसरी आईज में भी हम लगा ले रहे हैं उसे अच्छे से। सो आप लोग देख सकते हो हमने अच्छे से लगा लिया है आई शैडो। उसके बाद फिर से मैंने कंसीलर लिया हुआ है और आईज के नीचे लगा रहे हैं ताकि हमारे डार्क सर्कल अच्छे से छुप जाए। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, और ये NYB का कंसीलर है, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम अपने कंसीलर को। तो आप लोग बताना मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग को। काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना वीडियो जो है बनाया है मेकअप लुक के ऊपर, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे को स्टडीज़ भी करनी रहती है। सो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं एक छोटा मोटा वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। इन फ्यूचर आई होप आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिले। सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप लोग को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, और आप लोगों को कोई जो है क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैं इसे पूछूँ, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे मैं कंसीलर अच्छे से लगा ले रही हूँ सब जगह, तो फिर जॉ लाइन पे भी सब जगह अच्छे से मैं कंसीलर लगा ले रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन, जो कि मेरा फाउंडेशन स्टिक क्विकरी का है। मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को दूसरा मंगाना है, तो या मैं फाउंडेशन अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो या गाइस, ये फाउंडेशन काफ़ी लाइट वेट का है, मुझे लाइट वेट के प्रोडक्ट्स आई डोंट नो वाई बहुत पसंद है। हैवी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा स्किन में चला जाता है और पिंपल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं अब लाइट वेट का प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। सो या मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अच्छे से कर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक। कसम से मैं बताऊँ, मुझे ये वाला मेकअप लुक काफ़ी अच्छा लगा। सो यहाँ पे हम अच्छे से फाउंडेशन को कर लेंगे अप्लाई, तो हमारा फाउंडेशन भी डन हो चुका है। उसके बाद हम अपने मेकअप को करेंगे सेट। मेकअप को सेट करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे लक्मी एंड सोफी का पाउडर, तो ताकि हमारा फाउंडेशन अच्छे से हो जाए सेट। सो या हम यहाँ पे पाउडर अच्छे से लगा ले रहे हैं इस ब्रश की हेल्प से। तो ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे फिर से ले रहे हैं कॉन्टोर और नोज़ को कॉन्टोर कर लेंगे, तो ये कॉन्टोर भी बहुत अच्छे से हो जाता है ब्लेंड। तो हम अपने फेस को अच्छे से कर ले रहे हैं कॉन्टोर, तो आप लोग देख सकते हो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम अपने फेस को जो है कॉन्टोर करेंगे, ताकि जो कॉन्टोरिंग जो लगा हुआ है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो अगर आप लोग भी इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अच्छे से कॉन्टोर कर लो अपने फेस को। सो या डन विथ आवर कॉन्टोर, कॉन्टोर भी हो गया है, काफ़ी जो है नोज़ और फेस जो है स्लिम भी लगता है। सो या आप लोग देख सकते हो ये कॉन्टोर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लगाएंगे ब्लश स्मेट करते हुए ही। तो यहाँ पे हम ब्लश लगा ले रहे हैं अपने फेस पे, अच्छे से कर ले रहे हैं ब्लशिंग। उसके बाद मैंने लिया हाइलाइटर जो कि स्विस ब्यूटी का है, तो हाइलाइटर बहुत थोड़ा सा लेना है उस, क्योंकि ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। सो बहुत थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में ले गए, अच्छे से हाईलाइट कर ले रहे हैं। मैं अपने नोज़ को सब जगह अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हूँ। तो या गाइस आप लोग देख सकते हो हाईलाइट भी हो गया है, हमारा फेस काफ़ी चमक रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो या वी डन विथ हाईलाइट, आप लोग देख सकते हो गाइस हाईलाइट भी हो गया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ लिपस्टिक, जो कि अधिक ख़त्म हो गई है, बिल्कुल न्यूड पिंक थी हमारी लिपस्टिक। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से लिपस्टिक को कर ले रही हूँ अप्लाई। सो यार डन विथ लिपस्टिक। सो बाय गॉड मुझे ये मेकअप काफ़ी पसंद आया, काफ़ी पसंद आया।
तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप ये मेकअप लुक ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें गाइस, इट्स वेरी 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 यूज़फुल। सो या मैं ये इयररिंग पहन ले रही हूँ और या सब कुछ डन विथ एवरीथिंग। सो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो डन विथ माई मेकअप लुक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।